तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आम तोड़ने के सही तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से आम तोड़ने पर आम खराब नहीं होते हैं, चोट नहीं लगते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चोट लगे हुए आमों से अचार बनाने पर वे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम लोग आम तोड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने तार के रिंग का इस्तेमाल किया है और एक डंडे का इस्तेमाल किया है। तार के रिंग के चारों तरफ मैंने एक छोटे से झोले को सिलाई करके बनाया है। इस तार के रिंग के अंदर मैंने एक छोटे से तार के हुक का इस्तेमाल किया है, जिसमें आम फंसते हैं और खींचने पर वे टूट कर झोले में गिर जाते हैं, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए, आम फंसा और टूट करके झोले में गिर गया। एक बार में 4 से 5 आम हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने एक बार में 5 से 6 आम आसानी से तोड़ लिया है। अब आम दूर है तो हम अब पेड़ पर चढ़कर इसे तोड़ेंगे, इस लग्घी के माध्यम से। मैं इसे लग्घी बोलता हूँ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आम में गुठली धर लेने पर इसे इस तरीके से तोड़कर पकाने पर ये अच्छी तरह से पक जाते हैं और सड़ते भी नहीं हैं, जबकि नीचे गिरकर चोट लगे हुए आमों को पकाने पर वे सड़ जाते हैं। इस तरीके से आम तोड़ने पर मेहनत और टाइम तो लगता है, लेकिन आपके आम अच्छे रहेंगे, फूटेंगे नहीं। इस तरीके से आम तोड़ने पर एक भी आम नीचे नहीं गिरेंगे और आपके आम सही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा करके। इसी तरह एक एक करके सारे आमों को तोड़ लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।